आज मैं बहुत अच्छा क्लीनिंग स्प्रे बनाना सिखाऊंगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पानी चाहिए और जितना मैंने पानी लिया है उतना ही मैं इसमें विनेगर ऐड करूंगी। इसे क्लीनिंग स्प्रे से मैं सारे काम करती हूँ, तो ये बहुत इजी है, सिंपल है। जितना मैंने पानी लिया है उतना ही मैंने विनेगर यहाँ पर यूज़ किया है। अभी इसमें मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करूँगी, बस थोड़ा सा ही ऐड करना है। थोड़ा सा मैं इसमें विम जेल ऐड करूंगी, 2 टीस्पून आपको इसमें ऐड करना होगा। फ्रेग्रेंस के लिए मैं इसमें लैवेंडर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ये चाहिए होगा तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। इसमें मैं 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड करूँगी, इसका जो फ्रेग्रेंस है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये हमारा DIY क्लीनिंग स्प्रे बन करके तैयार है, इससे सब कुछ क्लीन कर सकते हैं। मैं हमेशा अपना जो स्टोव है इसी से क्लीन करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है मैं लीड से स्टार्ट कर रही हूँ। आज का जो डेट है 4 जून है और टाइम जो है मैं आपको थोड़ी देर में बता दूँगी। आज वैसे मैं जुम्मा था तो आज का जो डेट था ना मेरा बहुत ज़्यादा बिजी रहा, क्योंकि बच्चों के रूम की मुझे सफाई भी करनी थी वो मैंने किया, और फिर से जो है ना अपना बेडरूम भी मुझे क्लीन करना था वो भी मैंने कर लिया। सैटरडे संडे को मैंने कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि सैटरडे संडे को जो है ना मुझे और भी कुछ काम हैं जो मैंने लिख के रखे हैं वो मुझे करने हैं। ऐसे करके मैं घर के जो काम हैं थोड़ा थोड़ा करके मैं डिवाइड कर लेती हूँ। सोने से पहले यहाँ पर मैंने कल के लिए दही जमा लिया, दही मिट्टी के हांडी में जमाती हूँ, लेकिन आज मैंने इस कंटेनर में जमाया है। कल सैटरडे है, सैटरडे संडेज को जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो इंडियन स्टाइल नहीं होता। कल मैं बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट में सैंडविच, तो इस वजह से मैं आलू को रात को ही बॉईल करके रख लूँगी, क्योंकि सुबह जो है ना थोड़ा सा मेरा काम है वो इजी हो जाएगा, मतलब जल्दी मैं बना लूँगी सैंडविच। अगर आलू को बॉईल करके रखेंगे ना तो बहुत जल्दी बन जाएगा ब्रेकफास्ट। अभी जो टाइम है 10:07 PM हो रहा है और मेरा किचन का जो काम है वो फिनिश हो चुका है। एक्चुअली क्या है ना, मेरी हेल्पर भी मुझे हेल्प करने के लिए आती हैं, लेकिन फिर भी मैं ब्रेकफास्ट जल्दी बना लेती हूँ ना, तो उस वजह से उससे पहले मैं अपना किचन को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। जब किचन हमारा नीट एंड क्लीन होना तो काम करने के लिए भी मज़ा आता है, थकान जो है बिल्कुल भी नहीं होती, और कुकिंग करने के लिए भी बहुत मज़ा आता है। सबसे पहले तो मैं अपना जो किचन है वो एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ मैं यूज़ करती हूँ किचन क्लीन करने के लिए, और दूसरा जो है ये मेरा DIY किचन क्लीनिंग स्प्रे। बस ये 2 ही चीज़ों से मैं अपने किचन को क्लीन करती हूँ। नेक्स्ट डे आज सैटरडे है, तो सुबह जो है हमारी फजर में ही हो गई। अभी जो टाइम है 6:45 AM हो चुका है, मैं किचन में आई हूँ। तो लास्ट नाइट जो है ना मैं व्लॉग तो कर रही थी, लेकिन मेरे दिमाग से ये चने भिगाने के लिए वो मैं भूल गई थी, तो इस वजह से मैं अभी 1 कप चना मैं भिगा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको लंच में बनाना है। तो बस मैंने गर्म पानी में इसको भिगा दिया है। मेरी सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, फजर में हो जाती है, कभी कभी फजर के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट ले लेती हूँ, लेकिन ऐसे बहुत अब कम हो रहा है। अब जो भी मुझे रेस्ट लेना होता है मैं आफ्टरनून को लेती हूँ। चने की दाल को मैंने भिगने के लिए डाला है, लंच में मैं कोई एक सब्जी बनाऊंगी तो वो सब्जी में मैं ऐड करूंगी। पहले मेरा रूटीन ऐसा होता था ना, जब मैं सऊदी अरेबिया में थी 4:00 या 4:30 को सुबह हो जाती थी मेरी, फजर के बाद जो है हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट, लंच बॉक्स, स्नैक बॉक्स ये मुझे रेडी करना होता था। जो मुझे शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं उनको मेरे रूटीन्स उन्होंने सऊदी अरेबिया के देखे ही होंगे।
अब जो नए जुड़ रहे हैं उनको एक बार जो है मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में भी जाकर देखना होगा। अब रूटीन ऐसा हुआ ना कि कोविड चल रहा है, लॉकडाउन है, इससे जो है बच्चों के स्कूल्स नहीं हैं। जब मैं 2019 डिलीवरी के लिए आई थी, आसिम के जो स्टडीज़ हैं मैंने कंटिन्यू रखे थे, क्योंकि मैं आसिम के स्टडीज़ यूं ही बेकार नहीं कर सकती थी। अब मेरा जो रूटीन है ना, सऊदी अरेबिया वाला रूटीन नहीं है। ना मैं हस्बैंड का टिफ़िन बॉक्स पैक करती हूँ, लंच बॉक्स पैक करती हूँ, ना मैं बच्चों के स्कूल एंड लंच बॉक्स पैक करती हूँ। मतलब रूटीन में बहुत सारे अब चेंजेस आ गए हैं इस कोविड की वजह से। मैं हर तरह का रूटीन एंजॉय करती हूँ। अब तो बच्चों के स्कूल्स भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने रूटीन में ही रहना पसंद करती हूँ। जब सुबह हमारी जल्दी हो जाती है ना, तो हमारा जो दिन है बहुत इत्मीनान से गुजरता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत जल्दी जल्दी में हम नहीं रहते। 10% काम सुबह हो गए मेरे, कपड़े मैंने वॉश में डाल दिए, और ये जो काम है मैं अल्टरनेट डेज पे कपड़े वॉश करती हूँ। और अब जो है मैं आराम से बैठ कर के गुनगुने पानी में लेमन स्क्वीज करके मैं पीऊँगी, और ये जो है मेरा हर डे का रूटीन होता है। एक बात तो है, पता नहीं बच्चों को कैसे पता लगता है, जब मैं उठ जाती हूँ ना तो वो तुरंत जग जाते हैं। हर रोज़ मैं फ्रिज को बहुत अच्छी तरीके से चेक कर लेती हूँ। फ्रिज में मैंने देखा हरी सब्जी नहीं थे, और हरी सब्जियाँ का जो है ना मेरे घर में हर रोज़ बनते हैं। फिर मैं तुरंत से गई, फ्रेश भाजी लेकर आई हूँ, इसको मैंने क्लीन कर लिया। अब मैं अच्छे तरीके से इसको स्टोर करूँगी, 4 से 5 दिनों के लिए ये मुझे चल जाएगा। अब हरे भाजी का ऐसा है ना, हर दिन हर रोज़ फ्रेश नहीं मिल रहे हैं। जब मुझे फ्रेश मिलते हैं तो मैं जाती हूँ, थोड़ा ज़्यादा लेकर आती हूँ, और अच्छे तरीके से इसको ऐसे किचन टॉवल्स में इसको मैं रख कर अच्छी तरीके से स्टोर कर लेती हूँ। और मुझे ये कंटेनर का लिंक बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं पूछे हैं, तो इसका जो लिंक है मैं प्रोवाइड कर दूँगी। पहले मैं टिशू पेपर्स यूज़ करती थी स्टोरिंग करने के लिए, लेकिन अब मैं ये किचन टॉवल्स यूज़ करती हूँ। इसको हम वॉश भी कर सकते हैं और फिर से यूज़ कर सकते हैं। एक कंटेनर मैंने लिया है 3 किचन टॉवल्स में, भाजी रख कर के उसको रोल करके मैं इसी बॉक्स में रखी हूँ, और इसको मैं लेबल कर रही हूँ ताकि मुझे कन्फ्यूजन नहीं हो कि किस सेक्शन में मैंने भाजी रखी है। ये मिक्सचर जो मैं बना रही हूँ ना, ये पराठे भी इससे बना सकते हैं और सैंडविच भी बना सकते हैं। जब भी मेरे पास बीटरूट होता है ना, तो मैं आलू में ग्रेट करके इसको ऐड करती हूँ, और इससे जो हमारा स्टफिंग है और भी हेल्दी हो जाता है। मेरे नॉनस्टिक रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे कि कौन सा ब्रांड का मैं नॉनस्टिक यूज़ करती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ प्रेस्टीज, पहले से मैं प्रेस्टीज ही प्रेफर करती हूँ। 2019 में मैंने कुकवेयर लिया था, आप देख सकते हैं इसमें कोई भी स्क्रैच नहीं है। मेंटेन करने का इसका तरीका होता है, स्क्रबर वगैरह यूज़ नहीं करना होता है। एज़ पर इंस्ट्रक्शन अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा जो कुकवेयर है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। दूसरे ब्रांड्स में भी नॉनस्टिक मिल जाते हैं, लेकिन बस 1 ईयर का ही वारंटी होता है, और 1 ईयर होने के बाद जो है ना, कोई कोई जो नॉनस्टिक है वो ख़राब हो जाते हैं। मुझे ये कुकवेयर लिए हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, आप देख सकते हैं मेरा जो कुकवेयर है एज इट इज़ सेम है एकदम। मतलब जब भी मैं इसको वॉश करती हूँ ना, उसके बाद ये न्यू ही लगता है। यहाँ पर मैं सैंडविच के लिए स्टफिंग बना रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल हीट होने पे मैंने इसमें क्यूमिन सीड्स ऐड किए। क्यूमिन सीड्स जब चटक गए, इसमें मैंने एक स्मॉल साइज का अनियन चॉप करके ऐड किया है। स्पाइसेस में मैं कभी कभी जो है ना मटन मसाला ऐड करती हूँ, कभी मटन मसाला ऐड करती हूँ, कभी छोले मसाला, मतलब स्पाइसेस का अपने हिसाब से मैं कभी भी एडजस्ट रखती हूँ उसको।
स्पाइस अच्छी तरीके से भूनने के बाद इसमें मैं ग्रेटेड बीटरूट ऐड किए। एक मिनट तक मैंने अच्छी तरीके से उसको भून लिया ताकि उसका जो रॉनेस है वो निकल जाए। लास्ट में बॉईल किए हुए आलू ऐड किए, अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। बच्चों के स्टफिंग में मैंने ग्रीन चिलीज ऐड नहीं किए, बस मेरी स्टफिंग में ही मैंने थोड़े से ग्रीन चिलीज ऐड किए क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है, मतलब पसंद है मुझे। और एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहती थी, जो कास्ट आयरन कुकवेयर और नॉनस्टिक कुकवेयर है इसको मैं खुद ही वॉश करती हूँ, मैं अपने हेल्पर को नहीं देती। अगर मैं दे दूँ तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क रहेगा स्टील स्क्रबर लगने के लिए, क्योंकि क्या है ना, कभी कभी स्पून्स भी लग जाते हैं तो इससे जो है ना स्क्रैच आ जाता है और हमारा जो नॉनस्टिक है वो ख़राब हो जाता है। और एक टिप ये है कि जब भी हम नॉनस्टिक को वॉश करते हैं ना तो एकदम ठंडा करके उसको वॉश करना होगा। जब अगर जो हमारा पॉट है गर्म होता है, हम लोग क्या करते हैं उसको ठंडा करने के लिए पानी डाल देते हैं, तो ये बहुत गलत है, तो ये चीज़ जो है ना आप भी ध्यान रखिएगा। अब ये जो कास्ट आयरन कुकवेयर है ना, ये एकदम नॉनस्टिक कुकवेयर की तरह ही वर्क करते हैं, लेकिन इसको जो है ना वॉश करने के बाद इसको सीजन करके रखना होता है, थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन यूजिंग के लिए सबसे बहुत बेस्ट है। जब भी मैं ऐसी स्टफिंग बनाती हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा बना लेती हूँ और शाम में जो है ना मैं बच्चों को पराठे बना कर देती हूँ एज ए स्नैक। इलेवन ओ क्लॉक हो रहा है, मैं आई हूँ किचन में आसिम के कहने पे। तो ऐसे होता था, हम लोग हमारे डाइट में जो है ना हम ड्राई फ्रूट्स डेली लेते हैं, मैं भी लेती हूँ, बच्चों को भी मैं देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स मैं फ्रिज में रखती हूँ, इससे जो है ना फ्रेशनेस भी रहती है, लेकिन रात में सोने से पहले मैं हमेशा ड्राई फ्रूट्स को भिगोती हूँ। जिस दिन मुझे याद नहीं आता उस दिन बिना भिगोए हम लोग खा लेते हैं, तो ऐसे होता है। नाश्ता करके हम लोग बैठे हुए थे तो वाटरमेलन जूस में नाश्ते के बाद बनाई थी, तो बस हम लोग जो है ना एंजॉय कर रहे थे। तो आसिम ने बस मुझे याद दिलाया कि मामा आज हमने जो है ना ड्राई फ्रूट्स नहीं खाए क्योंकि आपने भिगोया नहीं, तो फिर मुझे याद आया हाँ ऐसे हो रहा है। तो फिर जो है ना आसिम ने ऐसा कहा कि क्यों ना हम किचन में अपने एक हेल्थ कॉर्नर बनाया जाए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो है ना मैं फ्रिज में रखती हूँ, इससे मुझे जब मैं फ्रिज खोलती हूँ रात में तो कभी कभी मुझे याद आ जाता है तो मैं भिगो देती हूँ, लेकिन जिस दिन याद नहीं आता तो मैं भिगोती नहीं। फिर मैं सोची कि हाँ ये आइडिया भी अच्छा रहेगा, अगर मैं सामने रखूँगी ना तो वो भी लेकर खाना पसंद करेंगे। जार में मैं चॉकलेट्स भी रख रही हूँ क्योंकि बच्चे कभी कभी जो है ना किचन में होते हैं तो उनको देने के लिए मुझे ईजी हो जाएगा। किचन के राइट साइड में काउंटर टॉप पे चेस्ट और ड्रॉवर्स है, काउंटर टॉप में टी कॉफ़ी स्टेशन बना सकती हूँ, लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल यूं ही
जो कंटेनर्स होते हैं ना वो मैंने यूं ही रखे हैं, उसको मैंने अच्छी तरीके से अरेंज नहीं किया। इंशाल्लाह किसी दिन उसको भी मैं ठीक करूँगी। तो अभी जो है ना मैंने एक ड्रॉवर को खाली कर दिया है और उसको जो है ना मैंने जो आपसे सॉल्यूशन शेयर किया था DIY क्लीनिंग स्प्रे उसी से ही मैंने क्लीन किया है। लंच बनाने आई हूँ। लंच में आज काले चने का शोरबा बना रही हूँ, बहुत इजी है। कप चने लिया मैंने, चने में 2 कप मैंने पानी ऐड किया, अनियंस एंड टमाटोस ऐड किए, चिल्ली पाउडर, सॉल्ट एंड ऑयल ऐड किया है। इसके लिए मैं फ्रेश स्पाइस मिक्स बनाऊँगी, इससे जो है ना टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आएगा। इसको मैं 5 से 6 विजल लगा लूंगी। सब्जी में कैबेज बना रही हूँ, बहुत अच्छी वाली मैं आपसे जो है ना रेसिपी भी शेयर करूंगी। कैबेज को स्ट्रेट करके रख दी थी क्योंकि जब हम लोग कुकिंग करते हैं ना तो हमारा जो टाइम है ना चॉपिंग एंड कटिंग में जो हमारा टाइम है वो थोड़ा सा सेव हो जाता है। रेसिपी आपसे मैं शेयर करूंगी, ये बहुत अच्छी वाली रेसिपी है। मेरे बच्चों को जो है ना ये कैबेज जब मैं बना कर देती हूँ तो बहुत पसंद से खाते हैं। हाफ से भी कम जो है ना चने की दाल ऐड किया है कढ़ाई में, कैबेज को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था वो ऐड किया है, सॉल्ट ऐड करके थोड़ा सा पानी ऐड करके एक बॉईल आने तक बॉईल कर लूँगी। एक बॉईल आने तक हम लोग बॉईल करेंगे ना इसमें जो चने की दाल है वो भी हल्के से गल जाएगी। इसको मैं अब स्ट्रेन ऑफ कर रही हूँ। इसका जो पानी है आपको फेंकना नहीं है, अगर आप रोटी बना रहे हो तो ये पानी आप ऐड कर सकते हैं, या तो अगर आप रसम बना रहे हो ना तो ये जो पानी है कैबेज का वो भी ऐड कर सकते हैं। सेम कढ़ाई में ऑयल ऐड किया है, ऑयल हीट होने पर थोड़ा सा जो है ना इसमें एसिडिटी यानी हींग ऐड करूँगी, इससे जो है ना डाइजेशन भी अच्छा होता है। तड़के के लिए इसमें 1/2 मस्टर्ड सीड्स, 1/2 क्यूमिन सीड्स, 4 से 5 इसमें मेथी सीड्स, 1 छोटा साइज़ का अनियन चॉप करके ऐड किया है, थोड़े से करी लीव्स, ड्राई रेड चिली, थोड़े से जो है ना ग्रीन चिलीज में भी मैंने ऐड किया है क्योंकि चिली जब फ्राई हो जाएंगे ना तो ये बहुत क्रंची हो जाएंगे, खाने में भी मज़ा आएगा। जब अच्छे तरीके से ये हल्के से फ्राई हो जाएंगे इसमें सॉल्ट एंड टर्मरिक ऐड करके अच्छी तरीके से इसको मैं मिक्स दे दूँगी। कैबेज की सब्ज़ी अगर प्याज टमाटर वाली खा करके अगर आप बोर होते हो ना तो ऐसी वाली सब्ज़ी आप बनाकर देखिएगा, आप इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। कैबेज को मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कर लिया है। 2 से 3 टीस्पून जो है ना कच्चा नारियल इसमें मैंने ऐड किया है, इसको जो है ना मैं हमेशा ग्रेट करके रखती हूँ, और थोड़ा सा जो है ना कोथमीर इसमें ऐड किया है। हमारी जो सब्ज़ी है बन करके तैयार है, इसको बनाने के लिए भी जो है ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सेवन विजल आने तक मैंने अच्छी तरीके से इसको विजल लगा लिया था। 1 टीस्पून के जितना इसमें मैं कस्तूरी मेथी ऐड किया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड किया है मैंने क्योंकि ऑब्वियसली शोरबा बना रही हूँ तो पानी वाला जो शोरबा है हमें बहुत पसंद है। एक बॉईल आने के बाद इसमें हरी मिर्च, थोड़ा सा कोथमीर और 1 टीस्पून के जितना इसमें गर्म मसाला ऐड किया है, और हमारा जो शोरबा है बन करके रेडी है।
अभी जो टाइम है ना 7:30 PM हो रहा है, बहुत देर के बाद मैं मिल रही हूँ क्योंकि लंच करने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट लिया। जो काम मैंने लिख कर रखे थे वो फिनिश करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। फिर मुझे याद आया कि मैंने आपको जो है ना अपना जो काउंटर वाला चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स है वो मैंने दिखाया नहीं, तो मैं वही दिखा रही हूँ। ओपन किचन है तो राइट साइड में जो मैंने आपको बताया था काउंटर टॉप विथ चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स है, आप देख सकते हैं ऐसी मैंने चीज़ें रखी हुई है। अभी मैंने चीज़ें ठीक नहीं की है, तो इंशाल्लाह जब मैं ठीक करूँगी तो आपसे भी मैं शेयर करूँगी। ये जो क्लिप है मैंने 6 PM को ली थी जब मैं अपने लिए चाय बनाने के लिए आई थी सारे कामों से फ्री होकर, और बच्चों के लिए स्नैक्स भी मैं बनाई थी और साथ में जो है ना मैं एक सब्ज़ी डिनर के लिए बना ली थी क्योंकि मुझे जल्दी फ्री होना था किचन के कामों से। कास्ट आयरन का पैन लिया है, ऑयल हीट होने पे इसमें 5 फ़ोरन मैंने ऐड किया है, प्याज टमाटर आलू जो है ना साथ में ही मैंने ऐड किया, अच्छी तरीके से जो है ना उसको कवर करके कुक कर लिया। स्पाइसेस में इसमें ज़्यादा कुछ स्पाइसेस मैं ऐड नहीं करती क्योंकि मुझे ये जो सब्ज़ी है ना बिना स्पाइसेस की पसंद है। बस सॉल्ट एंड टर्मेरिक ही ऐड किया है, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अपने स्टीम में मैंने कुक कर लिया है। ये सब्ज़ी को प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं लेकिन मुझे इसके जो स्टीम में बनता है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर देते जाइएगा। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी मिलूँगी आपको नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हेल्दी एंड सेफ रहिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।